हमने मीटिंग की जो हम मुसलसल देखते रहते हैं कि जो कोरोना का पाकिस्तान में किस तरह का किस तरफ जा रहा है कितने केसेस हैं क्या हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है तो अभी हमने मीटिंग ख़त्म किया तो इसलिए मैं आपसे इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ देखें इस वक्त एक ये जो वायरस है ये जो कोरोना वायरस है ये तब्दील होती जाती है यानी वो वायरस जो शुरू हुई थी उसमें कई तब्दीलियाँ आई साउथ अफ्रीका का एक अपनी किस्म का एक म्यूटेट कर गई एक वायरस तब्दील हो गई और और भी आ, डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ किस्म की वायरसेस हैं लेकिन इस वक्त जो हमें दुनिया में इर्द गिर्द हमारे इलाक़े में दुनिया में इस सारे खत्ते में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट जो कि हिंदुस्तान से एक वायरस म्यूटेट चेंज हो के तो वो इस वक्त बांग्लादेश में बड़ा बुरे हालात हैं वहाँ फैल गई है हिंदुस्तान में आप सबको पता है कि कितनी तबाही मचाई है उसने अफ़ग़ानिस्तान वो पहुँच गई है और अफ़ग़ानिस्तान में इस वक्त अगर आप अस्पतालों में देखें तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई जो एक वक्त पे हिंदुस्तान में थी इंडोनेशिया पहुंच गई है उधर भी हालात बुरे हैं वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है। और आप देख रहे हैं कि हर रोज़ बहुत लोग इसी वायरस से मर रहे हैं तो इसलिए मैं आज आपको इस सब सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं आज आपसे दो तीन बातें करना चाहता हूँ देखें अभी तक अल्लाह ने हमारे पे ख़ास करम किया इंसान जितनी मर्जी कोशिश करे आखिर में ऊपर वाला फैसला करता है कि वो आपकी कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी उसने अभी तक हमें बड़ी कामयाबी दी है आपको पता है कि दुनिया में पाकिस्तान को तीसरे नंबर पे वो मुल्क आ, आ, अभी जो आ, आ, वो कौन सा था इकोनॉमिस्ट में इकोनॉमिस्ट की अभी सर्वे आई है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतर अपने मुल्क को बचाया है कोरोना से और वो वो होना तब था हाँ हमारी भी मेहनत थी इधर हमारी एन सी ओ सी इन्होंने सारे केसेस स्टडी किए और इन्होंने अच्छे फ़ैसले किए लेकिन आपकी भी मेरी कौम का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि हम इतने बुरे हालात से बच गए इसमें जब मैंने आपसे कहा मैंने आपको कहा कि ये एहतियात करो तो आपने आप हमारे साथ चले और आप समझे कि हम वो मुल्क हैं जिसने दो रमज़ान में सारी मुसलमान दुनिया में दो रमज़ानों में जिधर मस्जिदें खुली रहीं वो पाकिस्तान था बाकी मुसलमान मुल्कों में बंद कर दी उन्होंने अपनी मस्जिदें तो आज अगर हम यहाँ पहुँचे हैं इसमें यहाँ हमारी एन की बड़ी मेहनत थी मॉनिटरिंग थी इन्होंने सही माने में कई चीज़ें प्रियम्ड की बताया लेकिन साथ साथ अवाम ने भी हमारे साथ चले अवाम हुकूमत के साथ खड़ी हुई और इसलिए आज हम इर्द गिर्द सारी दुनिया से बेहतर है और ये जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है लेकिन अब मैं आपसे ज़रा अपील करना चाहता हूँ क्योंकि आज जो हमने स्टडी किया है हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है जो कि अफ़गानिस्तान में है हमारे साथ वाले मुल्क में और जाहिर है उसकी चांस है पाकिस्तान में आने के लिए तो मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ मुझे पता है लोग थक गए हैं इससे दुनिया में लोग थक गए हैं ये एस ओ पीज़ के ऊपर चलने के लिए लेकिन एक चीज़ ये जो मास्क है ये सबसे आसान चीज़ है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम इसको इस ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे अगर हम अगर आपने जिस तरह पहले इतियात की ये जो मास्क है और ये मास्क मैं आपको समझा दूँ किधर है जिधर बंद कमरे हैं जिधर मसन शादियाँ हैं रेस्टोरेंट्स हैं बंद कमरों के अंदर और ख़ास तौर पर जब लोग खाना खा रहे हैं इसका मतलब कि इसकी फैलने की चांस बढ़ती जाती है अगर आप पार्क में फिर रहे हैं और आपके फ़ासले हैं तो फिर भी आप मास्क से बच सकते हैं लेकिन बसों में बैठे हुए हैं लोग भरे हुए हैं गाड़ियों के अंदर उधर मैं आपसे ताकीद करता हूं कि कोई मुश्किल काम नहीं है ये मास्क पहनना कोई मुश्किल काम नहीं लेकिन इससे हम अपने मुल्क को बचा सकेंगे हाँ हम अपनी मीशत को बचा सकेंगे जो अब तक हमने बचाया है सारी दुनिया के अंदर गुर्बत फैल गई है गरीब कुचला गया है सिर्फ इसलिए कि जब आप लॉकडाउन लगाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान कमज़ोर और गरीब तबके तप, को होता है और हम अब तक बचा गए उनको तो इसलिए अपनी कौम की खातर अपनी मीशत की खातर जो अल्लाह का शुक्र है उसने करम किया हुआ है अपने वो लोग जो कि आपके घर में जिनको बीमारियाँ या जिनको जो बूढ़े हैं उनको बचाने के लिए मैं सबसे फिर से कहूँगा कि ईद आ रही है ईद के अंदर ये मास्क पहने कुर्बानी का हमने जो फैसला किया है जिस तरह पिछले साल कुर्बानी थी, आ, थी उस बार फिर वही कि हमने बड़ी आ, 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 सोच समझ के कुर्बानी शहर से बाहर करनी है ताकि उससे बिना पहले और ईद में भी ईद पे भी पूरी कोशिश है कि आप यही मास्क कम अज़ कम पहने रखें और एहतियात करें और आखिर में मैं अपनी इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ पहले तो फिर से मैं आपको खराज तहसिन पेश करना चाहता हूँ कि आपने बड़ा ज़बरदस्त और मुश्किल काम है सारी दुनिया में देखे कि लोग थक गए थे तंग आके बहुत मुश्किल था लोगों को कहना कि जी एस ओ पीज़ के ऊपर चलो तो आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर हम डाला है हमारी गवर्नमेंट से आपके ऊपर इंतज़ामिया पे बड़ा प्रेशर डाला है कि आप लोगों को देखें कि वो एहतियात करें मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा और स्टेमिना आपका टेस्ट करना चाहते हैं हम ख़ास तौर तो पर ईद के दौरान ये मास्क की कम्प्लायंस देखें आ, और ये इस, इस आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये सही माने में कर लिया तो हम अपने मुल्क को बचा लेंगे ये जो चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेज़ी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ेंगे शादी हॉल बंद करने पड़ेंगे लोग लोगों के रोज़गार मुतासर होंगे ऊपर से टूरिज्म इस वक्त टूरिज्म का सीज़न है वो सारे इलाकों के अंदर लोगों के लोगों को रोज़गार मिल रहा है फ़ायदे वो सब के ऊपर फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लैम डाउन करना पड़ेगा लॉकडाउन लगाना पड़ेगा सो उससे बचने के लिए अगर अभी आप एहतियात कर लें तो हम अपने मुल्क को उस मुश्किल वक्त से भी बचा सकते हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं बांग्लादेश में लॉकडाउन कर दिया है बुरे हालात हैं वहाँ इंडोनेशिया में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया बंद कर दिया सब कुछ तो हम अपने लोगों को उस चीज़ से बचा सकेंगे हाँ और आ भूलना चाहूँ असल में जब तक हम सारे लोगों को अपना वैक्सीन नहीं लगा सकते ये इस ये इसके वेव्स आते रहेंगे तो ये भी मैं ताकीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास डोजेस पड़े हुए हैं हमने बाहर से अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वैक्सीन है तो मैं सबको ताकीद करूँगा कि वैक्सीन लगाएं। बदकस्मती से पाकिस्तान में हम वैक्सीन बनाते नहीं हैं इसलिए हमें थोड़ा देर लगेगी सारे अपनी आबादी को वैक्सीन लगाने की मस uh, अमेरिका ने बड़ी तेज़ी से कर दिया क्योंकि वहाँ बनती है वैक्सीन बरतानिया ने कर दिया और मुल्कों ने कर दिया लेकिन हमारे मुल्क में वैक्सीन बनती नहीं है लिहाजा जैसे जैसे वैक्सीन आती रहती है हम डोज़ लगाते रहते हैं इस वक्त हमारे पास है वैक्सीन लिहां लिहाजा इसका फ़ायदा उठाएँ शहरों में खास तौर पर वैक्सीन लगाएँ शहरों में जधर ज़्यादा चांस है जर ज़्यादा तेज़ी से फैलती है तो उसका फ़ायदा उठाए और इन शर हम इस चौथे फेज़ से निकल गए तो इन मुल्क को बिल्कुल अपनी जो बाकी मुल्कों में तबाही में है हम अपने मुल्क को बचा सकेंगे शुक्रिया